इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट जिला कोर्ट में होगी आज अहम सुनवाई और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक का मामला है जिस पर आज सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के तहखाने के SI सर्वेक्षण का ये मामला है। वाराणसी की जिला कोर्ट में होगी सुनवाई, तो हाईकोर्ट और जिला कोर्ट दोनों में आज सुनवाई होनी है। पूजा की अनुमति दिए जाने को लेकर ये सुनवाई होगी, SI सर्वेक्षण को लेकर भी सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बार फिर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल मस्जिद कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की है। जिला जज वाराणसी ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। मस्जिद कमेटी ने जिला जज के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। मस्जिद कमेटी के वकील ने कोर्ट में बहस के दौरान DM को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पर भी सवाल उठाए थे। इसके साथ ही ज्ञानवापी के तहखानों में ASI के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर वाराणसी अदालत में सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद ही श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य राखी सिंह ने अपनी याचिका में ASI सर्वे वाली याचिका दायर की थी। ASI सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में 8 तहखाने हैं। इनमें से S1 और N1 तहखाने का सर्वे नहीं हुआ है। इन दोनों तहखानों के भीतर प्रवेश करने का जो रास्ता है वो ईंट पत्थर से बंद है।